जाकर राखो जी, मन
रखो चाकर रखो चाकर रखो चाकर रखो चाकर चाकर रखो चाकर रखो चाकर रखो चाकर रखो चाकर रखो जी चाकर रखो जी प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर सदा रहो जी धीरा सदा रहो जी धीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रभु की नौकरी करूं, प्रभु मेरा स्वामी हो और मैं उसका हायर किया हुआ हेल्प हो जाऊं। देखिए मजे की बात यह है, हम जिस मालिक की नौकरी करते हैं आपकी फैसिलिटीज भी वैसी ही हो जाती। एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान को एज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई माने एक नौकरी पर रखता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसको एक नौकरी की उसकी सर्विसेज की जब वो काम करेगा उसके लिए एक तनख्वाह मिल जाएगी और फिर कभी काम से बाहर भेजेंगे तो ट्रैवलिंग अलाउंस टीए डीए मिल जाएगा, बीमार हो जाएगा तो थोड़ा सा, सारा नहीं थोड़ा सा उसका मेडिकल कवर कर लेगा, कभी कभार बोनस मिल जाएगा और बस। फिर इससे ज़्यादा मालिक से नौकर का कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन जब आप ईश्वर की नौकरी में गिरधर की नौकरी में चले जाते हैं तो ये बड़ी अजब बात है। देखिए दुनिया में
जिसने नौकरी पे रखा वो अलग रहता है, जिसने जो मालिक है वो अलग रहता है। मैंने कई एक उद्योगपतियों को देखा, उनका अपना घर तो महल से भी सुंदर, और जहाँ उनके एम्प्लॉई रहते हैं वो तो ऐसे बुरे हाल में छोटे छोटे क्वार्टर के, दरवाज़ा भी 5 फीट का है और वो सिर झुका के जाए अगर उससे लंबा है तो, छोटी सी जगह में वो रहता है। मालिक रोज़ पर रोज़ उसकी लग्जरी बढ़ती जाती है, और जो मजदूर है उसके बदन पर वही धोती कुर्ता और वही उसकी घिसी हुई चप्पल, और वही वो घिसता रहता काम करता रहता है। माने उसमें मालिक शोषण कर रहा है, और जो नौकर है वो बेचारा मजबूरी है, रोटी खानी, कुछ तो काम करना, तो वो लगा हुआ। कोई कोई मालिक ऐसे भी दिखते हैं जो इतने क्रूर नहीं हैं, दे टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज, लेकिन उनकी केयर में एक डिसेंसी आ गई। लेकिन फिर भी ये तो नहीं होगा ना कि मालिक नौकर से मोहब्बत ही करने लग जाए। लेकिन यहाँ बड़ा उल्टा काम है। गिरधर की जो नौकरी में गया, तो गिरधर की नौकरी में थोड़े ही समय बाद ये समझ नहीं लगेगी कि मालिक कौन है और नौकर कौन है, क्योंकि मालिक नौकर से मोहब्बत कर लेगा, और नौकर ने मालिक को हृदय में धारण कर रखा है, और मालिक जो है उसने अपने इस भक्त को अपने हृदय में धारण करके रखा। मीरा कहती है मुझे तेरी नौकरी मंजूर, मैं किसी बादशाह की किसी राजा की नौकरी क्यों करूं, तू शान शाह है, मुझे तेरी दासता मंजूर है, ये मेरा चुनाव गौरवशाली है क्योंकि इससे मैं गौरवान्वित होती हूँ, अब मिलेगा क्या मुझे, तो कहती है चाकरी में दर्शन पाऊँ। जिस ईश्वर का दर्शन करने को जोगी जोग करता है, तपस्वी तपस्या करता है, उस गोविंद की दर्शन मैं अपने हृदय में नित्य करूँगी। आपको ये समझना होगा कि देखिए, जिसके मन में तड़प है, जिसके मन में ललक है, जिस चीज़ की वही जानता है उसको ना मिले तो क्या पीड़ा होती है, और जिसके हृदय में गोविंद की प्यास है, जिसके हृदय में गोविंद को मिलने की चाह है, उसको गोविंद कभी कभी नहीं, जिसको गोविंद रोज रोज नित्य नित्य दर्शन देते हों, इससे बढ़िया नौकरी और क्या हो सकता, इससे बढ़िया इनाम क्या हो सकता है। चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकर तेरा रहूं तो तेरा दर्शन पाऊं, और काम क्या करूं, बोले तेरे लिए मैं बाग लगाऊं, बागों में फूल उगाऊं, फिर फूलों की माला गुथूं और तेरे गले में पहनाऊं। चाकरी में चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नितुट दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासूं, तेरी लीलाओं का मैं गुणगान करती रहूं और मैं डोलती रहूं। देखिए, दुनिया जाती है वृंदावन इमारतों को देखने के लिए, कोई कहता है वहाँ प्राचीन मंदिर है हम उसका दर्शन करेंगे, कोई कहता है नया मंदिर बना है हम उसका दर्शन करेंगे, कोई कहेगा वैसा मंदिर बना है हम उसका दर्शन करेंगे। बुरा ना मानना, हर मंदिर एक ईंट पत्थर सीमेंट से बनी हुई इमारत है जो समय के साथ टूट सकती है, जर्जर हो सकती है। आप घर के मकान की इमारत छोड़ के वृंदावन की इमारतों को देखने जाते हो, बोले वहां लाइट बड़ी अच्छी लगी थी, वहां मार्बल बड़ा अच्छा लगा था, वहां झाड़ फानूस सैंडलेयर्स बड़े प्यारे लगे हुए थे, और वहाँ बड़ा महंगा महंगा भगवान का श्रृंगार था, महंगा श्रृंगार, हल्का श्रृंगार, तुम दुर्योधन हो कि सुदामा? छोटा मंदिर पसंद नहीं आया, भव्य मंदिर चाहिए, बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा मंदिर चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मैं इमारतों में नहीं, मैं भक्त के हृदय में रहता हूं, और तुम इमारतें ढूंढते रहते हो।
और आपकी इस बेवकूफ़ी को भुनाने के लिए फिर बहुत सी संस्थाएं आ जाती हैं और उनमें होड़ लग जाती है, तेरा मंदिर 100 करोड़ का तो मेरा मंदिर 500 करोड़ का, तेरे मंदिर में मार्बल लगा है तो मेरे मंदिर में सोना लगवा दूंगा मैं। ये तो दुर्योधन हैं फिर, जो होड़ कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो कंपटीशन कर रहे हैं, जो प्रमोशन के लिए जैसे टैक्टिक्स करती ना कंपनी वाले वैसे टैक्टिक्स कर रहे। फिर कह दूं, कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, मैं योगी के हृदय में रहता हूँ, मैं स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेता के हृदय में वास करता हूँ। तो वृंदावन जाने का असल 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 लाभ तब हो जब तुम्हें वहाँ रहते हुए किसी ऐसे संत का दर्शन हो जाए जिसको देख के ये अनुभूति हो हृदय से अर्जुन तिष्ठति कि मेरा कृष्ण साक्षात इसके हृदय में वास करता है। पर भौतिकवादी पदार्थवादी मटीरियलिस्टिक बुद्धि का इंसान जब किसी तीर्थ पे भी चला जाता है तो वहाँ जा कर के भी वो क्या ढूंढ रहा है, पदार्थ को ही ढूंढ रहा है। कौन सा मंदिर बड़ा, कौन सा मंदिर अमीर, तुम फिर भूल जाते हो, मैं फिर याद कराऊंगी तुम्हें, कृष्ण को अमीरी नहीं, कृष्ण को प्रेम पसंद है। कृष्ण को ध्वंस देने वाले नहीं, कृष्ण को समर्पण करने वाले पसंद है। थोड़ा याद करा देती हूँ कृष्ण की ये लीला। जब उद्धव जी लेके गए हैं इनको मथुरा में कि चलो आपके मामा ने बुलाया है, आपके माता पिता तो वहाँ पर हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ब्रजभूमि से जब कृष्ण को लेके गए जा रहे हैं अपने राज अधिराज मामा कंस जी को मिलने के लिए और अपने माता पिता को पहली बार मिलने के लिए, तो कृष्ण और बलराम जब प्रवेश करते हैं मथुरा नगरी में तो बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ी सुंदर अट्टालिकाएँ हैं। और जब खबर फैल गई थी सब और कि वसुदेव जी का देवकी का जो पुत्र है जो हम मरा समझ रहे थे वो तो जीवित है, तो हमारा राजकुमार आ रहा है, तो पूरा नगर जो है सब तैयार बैठे थे इनको देखने के लिए, तो सज सजा के सब तैयार हैं, देखने को उतावले हैं, उत्सुक हैं। और कृष्ण और सुंदर सुंदर कृष्ण ने जब अपने घुंघराले बालों की छटा दिखाते हुए मथुरा की इन बीतियों में इन गलियों में प्रवेश किया, सबकी नज़र इन पर है और कृष्ण की नज़र जा गई कुबड़ी के ऊपर। हे इसको क्या हुआ, अब उसके पीछे पीछे लगे जाने, और उसके हाथ में चंदन था और वो समझी कि ये मेरे को कोई चिढ़ाने आया है, ये मेरा मजाक उड़ाएगा मेरे कुबड़ का, तो ये कुब्जा जा है, तो और तेजी से भागी, तो कृष्ण तो लपक झपक पकड़ लिए उसको, बोले कहाँ जा रही है, तो घबराते हुए कहती मैं महाराज की दासी हूँ, उनके स्नान हेतु ये चंदन लेके जाती हूँ, ये चंदन लेके जा रही हूँ। तो ऐसे छाती चौड़ी करके उसके सामने खड़े हो गए, कहते सुंदरी तुझे मैं नहीं दिख रहा हूँ, अब जिसका कुबड़ निकला हो उसे कोई सुंदरी बोले तो उसे चिढ़ना चाहिए, पर कृष्ण के आँखों में इतना प्रेम है, कृष्ण के हृदय से निकलती इस प्रेम सरिता का पान कर लिया नेत्रों के द्वारा ही कुब्जा ने, तो जवाब में न हाँ कही न ना कही, बस दाहिना हाथ कटोरे में गया, चंदन हाथ में लिया और श्री कृष्ण के माथे पर लगा दी, और आँखों में जो स्पर्श किया श्री कृष्ण का तो जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई, जैसे पूरे शरीर के रोए रोए जो हैं वो खड़े हो गए, ऐसा स्पर्श उसने आज तक कभी प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि इतने प्रेम से इतनी करुणा से इतने लगाव और इतने अपनत्व से किसी ने उसको कभी कहा ही कुछ नहीं था, और वो दिल ही दिल में रोती थी, सहकती थी, प्रार्थना करती थी कि मुझे ऐसा खराब शरीर क्यों मिला, मेरे से तो कोई बात नहीं करता, मैं कुरूपा मैं कुबड़ी, और ये ईश्वर ने मुझे मेरे किन पाप कर्मों के कारण ऐसा देह दिया, लेकिन उसके हृदय में प्रेम था, एक निर्दोषता थी, एक अमानित्व था, जिस अमानित्व को श्री कृष्ण दूर से भी देख लेते
और बड़े आनंद से उससे चंदन लगवाते हैं, और वो ये भूल गई कि महाराजा के लिए बनाया चंदन महाराज तक न पहुंचा तो महाराज उसका क्या हाल करेंगे, कितना अत्याचारी है। वो सब भूल गई, क्योंकि जिसके आँखों में स्वयं कृष्ण देख रहे हो, जिसे कृष्ण के बदन का स्पर्श मिल रहा हो, प्रेम की अविरल धारा जिसके नेत्रों से बहकर कुब्जा के तन और मन को स्पर्शित कर रही थी, वो कहते बलराम को नहीं लगाएगी, इसको भी लगा दे, मेरे दाऊ को, मेरे भाई को भी लगा। ज्यों कुब्जा मुड़ी बलराम जी को लगाने के लिए, तो श्री कृष्ण ने अपना दाहिना पांव कुब्जा के पैर पर रखा और कंधों से पकड़ के उसको एक झटका दिया और सीधा खींच दिया, अर्थात उसका कुबड़ दूर कर दिया। और वो मुड़ी थी दाऊ जी को चंदन लगाने के लिए, लेकिन उसके बदन के मुड़ने पर उसका कुबड़ निकल जाएगा, उसका देह ठीक हो जाएगा, इसका ज्ञान उसको नहीं है। लेकिन इतने जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि ना वो रो पावे ना वो हंस पावे, बस आश्चर्य चकित होकर कृष्ण का मुखारवृंद देखती है और आँख से अश्रु बहते हैं। आओ देखा ना ताओ, से कृष्ण उसको हृदय से लगा लेते हैं। और कुब्जा को वो जो स्पर्श मिला, वो जो कृष्ण का आलिंगन मिला है, आयु में बहुत बड़ी है कुब्जा, कृष्ण आयु में बड़े छोटे हैं, लेकिन कृष्ण का जो आकर्षण है वो इतना बृहत है, इतना बड़ा है कि उससे कौन छुप सकता है, उससे कौन रुक सकता है। और जिस पर साहेब खुद दयाल हो जाए उसकी तो किस्मत खुल गई। याद रहे, जो मांगता है वो भक्त नहीं होता। कुब्जा ने मांगा नहीं था कि कृष्ण मुझे ठीक कर दे, एक बार भी नहीं कहा। पढ़ के देख लीजिए श्रीमद् भागवत, उसने एक बार नहीं कहा कि मुझे स्वस्थ कर दो, मेरा ये कुबड़ दूर कर दो, ये मेरी झुकी हुई कमर सीधी कर दो, ना। क्योंकि वो तो सिर्फ प्रेम पा रही है और सिर्फ प्रेम दे रही है, अपने हाथों से सेवा दे रही है, मांगने की होश किसको पड़ी है। मांगने वाले मंगते होते, मंगते जिसे आप हिंदी में भिखारी बोलते। ध्यान से सुनना, आज कहियों के दिलों पे बिजलियां कौंधने वाली ये बात मैंने जब बोलने वाली हूँ इसको सुन के। भिखारी को पंजाबी भाषा में मंगता बोलते, कहीं कहीं हिंदी प्रदेशों में भी मंगता बोलते, भीख मांगने वाले को, बैगर को मंगता बोल, मंगता माने जिसके अंदर मांग है, जिसके अंदर कुछ इच्छा है, जिसके अंदर कुछ डिमांड है। जो मांग रखे सो मंगता, जो भीख मांगे सो भिखारी। कुब्जा भिखारी नहीं है, कुब्जा मांगता नहीं है। कुब्जा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और बिना मांगे कृष्ण ने दिया उसको, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि उसका कुबड़, उसका कुरूप शरीर, और बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले कृष्ण का ये कृपा है। अब योगी है ना, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं प्यारे, आप नहीं जानते उनको। वो खाली मुरली नहीं बजाते, खाली नृत्य ही नहीं करते, वो योग योगेश्वर है। योगेश्वर हम किसको कहते मालूम? योगेश्वर हम उसको कहते हैं जो शरीर की तमाम नस नाड़ी संयंत्रण को जानता है। योगी कहते हैं हम उसको जो अपने शरीर के, इस भौतिक शरीर के अंदर मौजूद एक एक अंग प्रत्यंग की फंक्शनिंग को जानता है। कितनी हड्डियां, कितनी मांसपेशियां, मस्तिष्क की क्या फंक्शनिंग, आप जान के हैरान होंगे। डेविड नाम से एक अमेरिकन है, अभी पिछले दिनों जिन्होंने शरीर छोड़ा, आयंगर, आयंगर जी के वो शिष्यों में से हैं। ऐसे और बहुत सारे, मैं एक नाम लेती हूँ पुस्तक का, द एनाटमी ऑफ हठ योगा, ये अंग्रेजी में छपी हुई पुस्तक है। वहाँ के दो तीन जो लीडिंग बोन के, हड्डियों के जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने योग सीखा और उसके बाद उन्होंने हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ हैं, कितनी हड्डियाँ, कितने जॉइंट्स हैं और क्या आसन करने पर उसका क्या प्रभाव शरीर पर आता है और उसकी फंक्शनिंग में कैसे फ़र्क आता है, पेनक्रियास की अगर दिक्कत है तो कौन सा आसन है,
अगर आपके इंटेस्टाइंस की कोई दिक्कत है, आंतों की दिक्कत है, तो कौन सा आसन है और वो कैसे प्रभाव डालता है, न्यूरोपाथवेज कौन से हैं, कौन से मस्तिष्क से सिग्नल आते हैं जिससे शरीर में हार्मोन्स का रसायन का स्राव होने लग जाता है, इत्यादि इत्यादि। देखिए, आज हमारे पास MRI है, आज हमारे पास पेट स्कैन है, आज हमारे पास 4D अल्ट्रासाउंड है, लेटेस्ट जितने गैजेट्स हैं वो सब मौजूद हैं। फुल बॉडी स्कैनिंग पेट स्कैन में हम कर लेते हैं और अंगों को जानना है और फिर बायोप्सीज हम कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक परीक्षण कर सकते हैं, एक सैंपल ले लें और उसकी बायोप्सी करके पता लग जाता है, रक्त को चाहें तो उसको समझ लेते हैं कितना आयरन है, रेड ब्लड सेल कितने हैं, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, ये सब ज्ञान हो जाता है। लेकिन इन सर्जन्स ने, इन डॉक्टर्स ने मिलकर ये जो पुस्तक लिखी, उन्होंने ये फॉरवर्ड में, मैंने जो उसकी भूमिका होती है उसमें ये बात लिखी कि आज हमारे पास ये सब मशीनरी है तो हम समझ सकते हैं शरीर के प्रणालियों को। लेकिन जिस समय हठ योग प्रदीपिका लिखी गई, जिस समय पर योग संदीपनी लिखी गई, उस समय पर ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन भारत के योगियों ने कैसे जाना कि मस्तिष्क दो भाग में है, उन्होंने कैसे जाना कि कौन सा अंग कहाँ पर है, कि पैनक्रियास कहाँ पर है, कि आपके लंबर रीजन में ये जो आजकल अक्सर बोलते रहते हैं ना जी, स्लिप डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, भैया स्लिप डिस्क कुछ नहीं होता, इट्स द इन्फ्लेमेशन इन द नर्व पिंचिंग होती है, जिसके लिए हमारे योगियों ने 6 आसन निकाले दिए, उन्होंने उन 6 आसनों का अगर अभ्यास करता है, स्पाइनल ट्विस्ट का आसन है, त्रिकोण आसन है, भुजंग आसन है, सर्पासन है, उष्टर आसन है, इन आसनों का अभ्यास करे, जिसे आप स्लिप डिस्क कह के बिस्तरों पे पड़े रहते हो, दवाइयाँ खाते रहते हो, 8 से 10 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में ठीक से सीखे, अभ्यास करे, यू आर गुड फॉर लाइफ, आपकी कमर में आपके कोई परेशानी नहीं उसमें आती। तो इन डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमें आश्चर्य होता है, कैसे जाना उन्होंने, कैसे समझा उन्होंने, बिना किसी मशीन के कैसे जाना, कैसे सीखा, कौन सी दृष्टि थी उनके पास। तो श्री कृष्ण योगेश्वर है,